हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर सीबीएसई बोर्ड का एक ऑफिशियली सर्कुलर आया और साथ ही साथ आपके एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, यानी कि आज 10वीं 12वीं छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर होने वाली है दोनों छात्रों के लिए। 2021 के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए उनके एग्जाम डेट को लेकर सबसे बड़ी स्टेटमेंट आई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वीडियो की सीबीएसई बोर्ड की आई हुई मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर से, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एक सर्कुलर आया है जहां एक तरफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट को लेकर कोई क्लेरिफाई नहीं कर रही है कि एग्जाम डेट अब आखिरकार शुरू कब होगी, वहीं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट पर साइलेंट है। लेकिन सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड के लगातार आ रहे हैं और सर्कुलर यही आ रहे हैं कि मार्च में जो परीक्षाओं को लेकर जो पूरी तरीके से बातें चल रही है ये अंतिम फैसला नहीं है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड सीधा सीधा ये कहना चाह रही है, सीबीएसई बोर्ड कह रही है कि मार्च में जो परीक्षाओं को लेकर जो आपकी डेट बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, ये गलत है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सीबीएसई बोर्ड जब मार्च को लेकर मना कर रही है तो एग्जाम डेट क्यों नहीं जारी कर रही। सीबीएसई बोर्ड को क्या अभी लगता नहीं है कि अभी एग्जैक्ट टाइम अभी वो टाइमिंग है कि डेट शीट जारी करने का। लास्ट पास्ट ईयर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का अभी एक ऐसा टाइमिंग था जब सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट स्टूडेंट्स के पास आ जाती थी, लेकिन दिसंबर खत्म होने को है, अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट जारी नहीं किए हैं और एग्जाम को लेकर कोई क्लियर भी नहीं कर रहे हैं और एक ही बात को कह रहे हैं कि मार्च में परीक्षाएं होगी, इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं है। तो ऐसे आप विश्वास न करें। तो ये सीबीएसई बोर्ड एक सर्कुलर के माध्यम से कह रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर रही है कि एग्जाम्स आखिर होंगे कब, या क्योंकि जब मार्च में नहीं होंगे तो आपकी आगे डेट कब आने वाली है। या तो आप क्लियर कहिए कि मार्च में 100% परीक्षाएं नहीं होगी। तो ये बातें जो बार बार आ रही है कि निर्णय नहीं लिया गया है, तो ऐसे में आपको ये नहीं समझना है कि मार्च में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी। तमाम कई सारे प्रश्न है जिसका फ्रेंड्स आप नीचे मुझे जवाब दीजिएगा। तो वहीं आप जान लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स अगर आप एमएसटी सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्रेजेंट करता है एमएसटी सिटी का लीडर्स बैच, यानी कि यहां पे आपको देखिए अनअकैडमी आपको सबसे अच्छा मौका दे रहा है सब तरह की क्लासेस के टॉप एजुकेटर से सीखने का। तो अनअकैडमी पे क्या चल रही है, एमएसटी सिटी का आपको लेटेस्ट बैच चल रहा है जहां पे आपके, यानी कि आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो, पीसीबी के स्टूडेंट्स हो, आपके सभी टॉपिक्स यहां पे क्लियर करवाए जाएंगे। जैसे कि आप यह देख सकते हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे तमाम सब्जेक्ट्स आपका पूरी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस बैच में आपको क्या होगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे एमएसटीसी को क्रैक करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। तो फ्री क्लासेस भी यहाँ पे कई सारी आपकी चल रही है, तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है इतना कुछ फ्रेंड्स। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आपको चलते हैं यहाँ पे फ्री में। तो कई सारी चीजें हैं जो अनअकैडमी आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपको जरूर अगर आप एमएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, अगर वही अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे और साथ ही साथ रियल टाइम इंटरेक्शन आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अपने डाउट्स को कभी भी, यानी कि आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, वहीं बात करें तो यहीं पे आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने में कई सारे बेनिफिट्स है। जैसे सीखे हिंदुस्तान कोड का इस्तेमाल करेगा तो एडिशनल 10% डिस्काउंट, वहीं फ्री में क्लासेस को लेने के लिए, फ्री में आपको टेस्ट करने के लिए, तो अनअकैडमी यानी आपको प्रोवाइड करा रहा है सबसे अच्छा मौका होगा। तो आपको सीखे हिंदुस्तान कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री में टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलती है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको जरूर इसका लेना चाहिए फ्रेंड्स। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से एक बार आप चेक करिएगा। तो वहीं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 10 तारीख को डेट जो है 10 दिसंबर का डेट सभी स्टूडेंट्स को याद है उस समय क्या हुआ था, और एजुकेशन मिनिस्टर का आप देखिए सबसे बड़ा क्या स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। रमेश पोखरियाल जी यानी एजुकेशन मिनिस्टर स्टूडेंट से कहते हैं, वी आर विथ यू एंड ऑल डिसीजन विल बी टेकन कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन माइंड। यानी कि उनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि रमेश पोखरियाल जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जो भी डिसीजन होंगे वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट से लिए जाएंगे, स्टूडेंट जो चाहेंगे वही फैसले होंगे। तो स्टूडेंट 10 तारीख को लेकर काफी सारी उम्मीदें थी, डिसीजन जो है कई सारे कंसर्न थे, क्वेश्चन थे एग्जाम को लेकर, वो कई सारे उनके पास जा चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट कहां से ये फिट करता है 10 तारीख पे, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बात करें 17 तारीख
को लेकर, तो 17 तारीख को भी काफी सारी उम्मीदें होगी। पूरी देश भर की नजर होगी आपकी 17 तारीख की वो डेट पर, जब एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आएंगे और एग्जाम को लेकर कुछ बातें कहेंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि आपने सीबीएसई बोर्ड का सर्कुलर देखा और आपके एजुकेशन मिनिस्टर का एक लेटेस्ट वाला स्टेटमेंट देखा, इसके बाद बताइएगा एजुकेशन मिनिस्टर और सीबीएसई बोर्ड के स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड को एग्जाम का डेट अभी तक जारी नहीं कर देना चाहिए था? अगर डेट नहीं भी जारी किया है तो उन्हें एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए था एग्जाम्स को लेकर, क्लियर ना कि ये कहना चाहिए था कि मार्च में परीक्षाएं हो सकती है नहीं हो सकती, इसको लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो ऐसे में ये मान लेना कि परीक्षाएं मार्च में ये स्टार्ट होगी, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलत फैमिली होगी, इस तरीके से सर्कुलर जारी किया। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो वहीं सीबीएसई बोर्ड के हर एक लेटेस्ट फ्रेंड्स आपको अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो प्लीज, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहां पे प्रोवाइड कराते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी हमारा लगातार चल ही रहा है, तो वो आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करते चलिएगा एक लाइक। जय हिंद।